अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है और कचौरी खाए बिना तो इंसान रह नहीं सकता। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कचौरी बना रहे हैं और रेसिपी आपको बता रहे हैं। आलू की कचौरी बनाने के लिए ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं, बड़े वाले, और इसको उबाला, उबाल के छीला, छील के ये आलू का भरता बना लिया। अब इसमें नमक डाला और अब ये इसमें मसाला डालेंगे। आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची लिए और नमक हसबे जायका। ये तीनों चीज़ें इसमें आलू में शामिल कर देंगे। ये हमारा मसाला कचौरी के लिए तैयार हो गया है। आज हम इसके साथ कीमे की भी कचौरी बना रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है और ये चीज़ें खाए बिना तो बंदर रह ही नहीं सकता, तो मज़े करते हैं। अब ये इसमें मिक्स कर रहे हैं कि हमारा भरता आलू का तैयार हो जाए। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और ये रख देंगे। और ये कीमे की कचौरी बनाने के लिए 1 पाव कीमा है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चमचे, आधा चमचा हल्दी है, आधा चमचा कश्मीरी मिर्चें हैं और ये नमक हसबे जायका डालना है हमें। ये अब हम तेल डाल रहे हैं इसमें 1 चमचा, इसके अंदर कीमा डाल रहे हैं, 1 सवा चमचा तेल था बड़ा खाने पकाने का। अब इसमें कीमा फ्राई करेंगे तेल में। थोड़ा सा इसको हमें भूनना है कीमे को, अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई हो रही कीमे की कचौरी के लिए। कीमा तैयार करके इसको भी रख लेंगे हम। अब ये कीमा हमारा भून चुका है, अब इसमें हम जो हमने मसाले निकाले थे वो डालेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। इसकी भी अच्छे से बुना लेंगे। इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा मौसम, बाहर बारिश भी हो रही है और यहाँ पे कीमे की कचौरी की तैयारी हो रही है। और ये हमने कचौरी के लिए चटनी बनाई है, इसमें है टमाटर, लहसुन, जीरा, कुटी हुई मिर्ची और हमने एक ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया है। और चटनी के बिना तो कचौरी खाने का मज़ा ही नहीं आता। अब ये हमारा कीमा तैयार हो गया, रेडी हो गया, बस कचौरी बनाने की तैयारी करेंगे। ये हमारा 1 किलो आटा है कचौरी के लिए और अब इसमें नमक डाल रहे हैं। आटा गूंदने की तैयारी हो रही है अभी कचौरियों की। कचौरियों के लिए आटा नरम गूंदना है ताकि कचौरियाँ अच्छी बने, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। अब इसमें 1 चमचा ऑयल डालेंगे ताकि आटा हमारा नरम हो जाए। इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। कचौरियों का आटा नरम
अच्छा होना चाहिए गुनने में कि हमारी कचौरियाँ अच्छी बने। अब ये आटा हमारा तैयार हो गया है, चलें अब हम कचौरी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब हमारी कचौरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, ये देखें अब हम कचौरी बना रहे हैं। थोड़ा सा आटा हाथ में लेके अब इसमें इसमें कीमा भर रहे हैं, कीमे की कचौरी में। अगर कीमा कचौरी में भर लिया इसको थोड़ा हाथ से बढ़ाएंगे। तेल रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए, देखें हल्की आंच पे इसको तेल को रखेंगे। अब हम इसमें कचौरी डालेंगे कीमे की। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। देखें हमारी कचौरी कैसी फूल रही है। जब तक इसको कढ़ाई में तेल में रखना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए, अच्छे से फ्राई ना हो जाए। ये देखें हमारी कचौरी कितनी अच्छी बन रही है। देखें हमारी कचौरी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। देखें हमारी कचौरी कितनी अच्छी और कितनी अच्छी फ्राई हुई है, देखें इसका कलर कितना अच्छा है। और ऐसी बाकी कचौरियाँ तलेंगे। अभी हमारी आलू की कचौरी भी ये अब हमारी आलू की कचौरी तैयार हो रही है। देखें इसमें आलू भर लिया। ये देखें हमारी आलू की कचौरी भी चली गई फ्राई होने के लिए। कीमे की कचौरी तो हमारी तैयार हो गई। अब ये हम ये वाली भी कीमे की कचौरी निकाल लेंगे। ये देखें इसका कितना अच्छा और गोल्डन कलर आया है। ये निकाली, ये हमारी आलू की कचौरी फ्राई हो रही है। ये अब हमारी आलू की कचौरी फ्राई हो रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, ज़रूर आप
हमारी आलू की कचौरी भी तैयार हो गई। देखें देखें हमारी आलू की कचौरी भी, देखें कितनी अच्छी कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन। देखें अब ये भी निकालेंगे प्लेट में। ये देखें हमारी आलू की और कीमे की कचौरी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप बनाइएगा भी। अब हम मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।